इस कोरोना से अगेंस्ट जो मेडिकल और जो फ्रंट लाइन में जो हमारे भाई जो काम कर रहे हैं उनके लिए उनकी हेल्प हो जाए या कम्युनिटी की हेल्प हो जाए, उसमें हम लोगों ने एक पोर्टेबल वेंटिलेटर ले के मैं वो एम्बुलेंस में भी लग जाता है और इमरजेंसी पंजाब हॉस्पिटल में भी चलता है। एक बाईपैस मशीन है, वेंटिलेटर सपोर्ट है, 12,500 सर्जिकल मास्क है, 4,000 पॉलीथिन ग्लव्स हैं जो कि जब डॉक्टर्स कोरोना पेशेंट्स के पास जाते हैं तो वन टाइम यूज करके उसको उन्होंने डिस्पोज करना है। अच्छा, 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, तकरीबन 6,000 सैनिटाइजर्स हैं और वो मैथलेटिक अल्कोहल है, 500 शू कवर्स हैं, 230 किट्स हैं, 55 फेस शील्ड्स हैं, 50 प्लस डिटोल की बॉटल्स हैं, 200 बॉटल शावर कैप्स हैं, ऊपर एक सक्शन मशीन और एक नेबुलाइजर जो हमें कोरा की डिस्पेंसरी ने रिक्वेस्ट की थी उनके लिए, 3 पल्स ऑक्सीमीटर थे, जब वेंटिलेटर में पेशेंट चलता है चढ़ जाता है तो उसके साथ वो यूज हो जाता है, 4 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और फिर उनके रेगुलेटर्स भी, 18,000 क्लोरोक्विन टेबलेट्स हम लेके आए। अच्छा, फिर जो फूड राशन का पैक था हमारा वो तकरीबन 1,400 से 1,500 तक हमारा अभी चल रहा है जो हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, और इसमें जो सर्जिकल ग्लव्स हैं लैटेक्स के वो 4,000, इसमें हम लोगों ने काफी सामान आज हैंडओवर कर दिया, आप लोग में से भी काफी आजाद उधर मौजूद हैं, और हमारी तो ख्वाहिश थी कि ये एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया जाए जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, डीसी साहब से हमारी चीजें भी तय हो गई, लेकिन आपको पता है कि कल का एक अफसोसनाक हादसा हो गया तो उसके बाद चीजें काफी डिफिकल्ट हो गई हमें चीजें ऑपरेट करने में, और हमें रिलीफ के काम में काफी दिक्कत हुई। हम रिलीफ के सामान के साथ रेस्ट हाउस में बैठे हुए थे और जब इस मसले में दोनों तरफ से जर्गे के लिए जब लोग चल रहे थे तो उसी दौरान डीसी साहब ने हमें उधर से निकलने का हुक्म दिया था, ठीक हो गया तो 2 घंटे का हमें टाइम मिला, हमने रात के तकरीबन 12:30 बजे हमें हुक्म दिया, हम निकल आए, सामान तय किया, बाद में फिर उन्होंने कहा कि बेशक आप बैठ जाए, हमने कहा नहीं अब हम निकल, तो उसकी वजह से रात पूरा हम जाके ही गुजरे। और फिर एमआईडी नईदा का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरी हेल्प की कि मेरी तरफ से जो पार्टिसिपेशन है जो हैंडिंग टेकिंग है वो अब हम थ्रू एमआईडी ने ईदगाह करें, और ये चीजें हमने जितना हमारे पास क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते थे, हम लिस्टें नहीं बना पा रहे थे और ये चीजें अब मैं डिले नहीं कर रहा था, हमें पता नहीं था सूरत हाल आगे क्या होगा, क्या पता वायलेंस ज्यादा बढ़ जाएगा क्या होगा, क्योंकि हमें जिस तरह की मुतजाद खबरें मिल रही थी उसकी वजह से हमारी रिजर्वेशन बहुत हाई थी। हम लोग जब वो इंसिडेंट के बाद हम सुकून से बैठे हुए थे, हमें पता चला कि जी सरकारी गाड़ी में डीडी एजुकेशन साहब की गाड़ी में गांव से बंदे ला के इधर बिठाए गए, उसके बाद हमें पता चला कि ना कि उनकी गाड़ियों की इधर आने दिया है, बंदे जमा हो गए हैं, सुबह लॉकडाउन पुलिस की मौजूदगी में उनका जलसा हुआ, फिर पुलिस की क्यादत में वो लोग रेस्ट हाउस, बल्कि आप लोगों को भी पता होगा ये रेस्ट हाउस में गए, तो हमें ये हम नहीं चाह रहे हैं कि अस्टोर का माहौल खराब हो, हम जितनी जिम्मेदारी से अपना किरदार निभा सकते हैं निभा रहे हैं, और उसमें यह है कि अभी इसके बाद हमारी आइंदा का जो हमारा लाए अमल है हमारी मीटिंग भी होगी, रमजान भी आ रहा है जिस, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है वो आगे है पेंडेमिक जो कोरोना का इशू है जिसमें हम लोगों ने लड़ना है, और एक अफसोसनाक बात ये हुई जो हमारे अपने कंट्रोल में भी नहीं थी जिसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेशन पे है कि जब वो एक फरीक को खुला छोड़ते हैं तो और फिर जब हम रिलीफ का काम करें और हमारे पे इतनी मुश्किलात उन्होंने कर दी तो ना हम रिलीफ का काम सही तरीके से कर सके और फिर खतरात के पता नहीं दोबारा कोई वायलेंस का खतरा हो या ना हो, तो ऐसे में हम जो एसओपीज हैं वो फॉलो नहीं कर सके, ठीक हो गया, तो हम चाहते हैं कि आगे भी हालात ऐसे हों कि अस्टोर का अमन जो है वो मुतासिर ना हो, और हम जितना अपनी जात की हैसियत से जितना किरदार अदा कर सकते हैं हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो पुलिस का किरदार है, ठीक है, उसमें हमारी चिंता
बधाई हाई रिजर्वेशन डीडी एजुकेशन साहब, उन्होंने जो सरकारी गाड़ी में जो लोडिंग अनलोडिंग का काम किया उस पर हमारी रिजर्वेशन है। अगर हमने पॉलिटिकल मामलात करने, इलेक्शन लड़ने के लिए हमने एक्टिविटीज करनी है तो फिर कोरोना का ड्रामा हमें बंद करना चाहिए। नहीं, अगर हम वाकई सीरियस हैं कि हमने कोरोना के खिलाफ एक कौम बन के फाइट करनी है तो फिर हमें मेरिट करना पड़ेगा। राशन की लिस्टों में जो सियासी बंदों को नवाजा जा रहा है वो खत्म किया जाए, जो क्वारंटीन में जो लेबर जो दिहाड़ीदार मिनिमर के आए हैं उनको जो इतला दी जाती है कि 15 दिन का रहने का और राशन का आप खुद पे करेंगे और 17 के बाद का हम आपको वो क्या कहते हैं पे करेंगे। उनका मेन्यू आप देखें सिर्फ और सिर्फ साल पे जो बुलंद बाप दावे इनके चल रहे हैं वो हमें ग्राउंड में कहीं नजर नहीं आ। उसके बाद भी हमारी चीजें हैं, हम आप इस चीज पर एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये जरूर हुआ बड़ा अफसोसनाक कि हमें रिलीफ के काम में और जो रवैया हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने किया और हमें हाउस अरेस्ट भी किया हुआ था और रात को फिर किसी उससे हमें जिस वक्त उधर से निकालने का वो किया तो हम बड़ी मुश्किल से हमने रात को अपनी अकोमोडेशन बराबर की, अपनी चीजें हम लोगों ने मैनेज की और शिफ्ट किया। तो भारत ये बातें तो चलती रहेंगी लेकिन इंशाल्लाह हमारी मीटिंग में जो अभी लाए अमल तय होगा वो अस्तोर के अमन के लिए बेहतर रहेगा।